पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम जनपद वाराणसी के टूर पे हैं और आज हम आए हुए हैं ग्राम कुरहुआ जो कि जनपद वाराणसी में है और यहाँ पे आए हुए हैं स्टार फार्मिंग है जो कि महेश जी का है और ये लगभग 2019 से सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं। इनके सोनाली के फार्म पे अभी कितनी मुर्गियाँ हैं, सोनाली मुर्गी पालन करके इनको कितना फ़ायदा होता है, या सोनाली मुर्गी पालन अगर कोई किसान करता है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो महेश जी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्वागत है सर। तो महेश जी कब से आप सोनाली मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं? तकरीबन हम लोग कोरोना काल लगभग सन 2019 से जुड़े हुए हैं। नवंबर। तो 2019 से आप सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो जब आपने पहली बार सोनाली मुर्गी पालन शुरू किया था तो अपने पास कितनी मुर्गियां थी या कितने सोनाली बर्ड थे? हम लोग सोनाली का बर्ड जो था 300 से स्टार्ट किए। अच्छा। 300 सोनाली बर्ड और 100 कड़कनाथ से स्टार्टिंग था हमारा। और अभी अपने पास कितने हैं? अभी हमारे पास तकरीबन है 5000 बर्ड से हम अभी ब्रूडिंग करते हैं। अच्छा। तो लगभग मोर्टिलिटी ले छोड़ करके उसमें 4800-4700 बर्ड बचते हैं। हम ये जानना चाहते हैं आप सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं, अभी इनका वजन कितना है और आपका FCR कितना आता है? सबसे पहले तो यही सवाल आपसे पूछेंगे। अभी देखिए तकरीबन 120 दिन हुआ है बर्ड को और इसका जो FCR है 1.3, 1.4, 1.5। अगर रेशियो ग्राम अगर रेशियो लिया जाएगा तो 1300 ग्राम लगभग आएगा। 1300 ग्राम FCR आता है। हाँ। ये कितने दिनों में? मैंने देखा है कुछ लोग बताते हैं कि हमारा 90 दिन में तैयार हो जाता है सोनाली मुर्गा 1 kg का, और कुछ लोग बताते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा दिन लग गए, 110-115 लग गए। तो आपके हिसाब से कितने दिन इसको लगने चाहिए 1 kg होने में? देखिए जितना ज़्यादा समय लेगा उतने ही ज़्यादा अच्छा तैयार होगा, क्योंकि कम समय में जब इसको तैयार करेंगे आप तो इसका जो ताज होता है, जो चुंडी होता है रेड वाला, वो फिर नहीं निकल के आएगा। अच्छा, और कलरी और इसका पूछ भी नहीं आएगा। अच्छा। अगर आप इनको बॉयलर फ्री मान लीजिए खिला देते हैं कि जल्द से जल्द तैयार हो जाए, तो तैयार तो ये वेट तो पकड़ लेगा लेकिन फिर इसका कलरी नहीं आएगा। अच्छा। पूछ भी नहीं आएगा, फिर इसको देसी के रेट से कोई नहीं खरीदेगा, फिर ये रंगीन के भाव चला जाएगा। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखा कि आपने सिस्टम बनाया हुआ है फ्री रेंज का। हाँ। तो फ्री रेंज में आप इनको कितने बजे निकालते हैं सुबह शाम, और इसको फ्री रेंज में फीड इसको क्या देते हैं बताएंगे? सर ये हम तकरीबन 5 बजे भोर में छोड़ देते हैं। अच्छा। और जब देखते हैं अगर भूख लगता है तो वही 9 से 10 बजे तक हम लोग उसको बंद कर देते हैं, फिर शाम को फिर वही 4-5 बजे छोड़ते हैं, फिर वही 7-8 बजे तक शाम को बंद करते हैं। हाँ, जब फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो हम लोग हरी सब्जियां खिलाते हैं इनको, क्योंकि हम लोग का जो फीड है फीड की बचत हो, अब कम बजट में जो है कि अच्छा तैयार। जैसे कि अभी मार्केट में सब्जियों का, हरी सब्जियों का रेट बहुत ज़्यादा है जी, तो अगर अभी इनको आप बाहर निकालते हैं तो क्या खिलाते हैं? हम लोग बाहर निकालते हैं तो हरी सब्जी खिलाते हैं, क्योंकि कि हमारे यहाँ फार्मर बहुत सारे फार्मर हैं जो कि सब्जी की खेती करते हैं। अच्छा। तो उनके पास वेस्टेड बहुत सारी सब्जियाँ होते हैं, तो लोग खुद बोलते हैं कि नहीं भाई हमारे पास सब्जियाँ हैं आके ले जाओ। तो इनका कहना है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो सब्जी की खेती करते हैं, जो सब्जियाँ सस्ती होती हैं खराब हो जाती हैं उनको ये खिला देते हैं, है ना जी? एक सवाल ये होता है बंदा, अगर कोई फ्री रेंज में मुर्गी पालन करता है तो कितने परसेंट ये उनको ये हरी सब्जियां साग जो खिलाता है कितने परसेंट इनको खिला सकता है कि इनकी ग्रोथ पे भी असर ना हो? इनको सर जैसे फीड मान लीजिए कि अगर 1000 बर्ड है हमारे पास। हाँ। तो उनको एक बोरा जैसे 50 kg का फीड लग रहा है। हाँ। तो 50 kg फीड में उसको हम कटौती करके उनको हम 30 kg जो है फीड दे देते हैं, बाकी जो 20 kg बचता है तो हम 20 kg हरी सब्जियां देते हैं, उतना में कवर हो जाता है। तो मान चले लमसम 40-45% जी जी आप फीड इनका फीड इनको देते हैं जी जी सर जी। एक चीज़ और, अक्सर मतलब जितने अगर 10 मुर्गी फार्म पे आप जाएंगे सोनाली के तो 10 में से 8 ये बोलते हैं कि 90 दिन में हमारा सोनाली मुर्गा 1 kg का हो रहा है, और आप लोग बता रहे हैं आपके अनुभव के आधार पे
कि आपका मुर्गा होता है लगभग 115 से 120 दिन में, है ना। तो जो लोग जिनका 90 दिन में होता है, क्या वो लेयर क्वालिटी फीड खिलाते हैं, इसको ब्रॉयलर खिलाते हैं, इसका मतलब फर्क क्यों आ रहा है? इसका फर्क ये आता है सर कि जैसे ब्रॉयलर फीड खिलाने से वो तो वजन तो आ जाएगा, हाँ, उसमें चर्बी तो आ जाएगी, हाँ, बट जो देसी जैसा देसी होना चाहिए वैसा देसी मुर्गा तैयार नहीं होगा। उसमें चर्बी रहेगा, पूंछ नहीं आएगा, कलकी नहीं आएगा, और वो मुर्गे का रेट नहीं मिलता है। जब रेट नहीं मिलेगा तो फार्मर को ऑटोमेटिक है कि घाटा लगना ही लगना है, तब वो कमाई नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आपका मुर्गा जो है सोनालिका ऑर्गेनिक रूप से तैयार होगा जी, तो हेल्दी होगा जी, मार्केट में उसका रेट भी आपको अच्छा मिलेगा, मार्केट वैल्यू मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, कोई भी मुर्गी पालक हो, मछली पालक हो, सावन का महीना आता है जी, नवरात्रा का महीना आता है, तो इन दो तीन महीनों में उसको घाटा ही लगता है। आप इतने दिनों से मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई बंदा अगर उसका माल तैयार हो जाता है, सावन में तैयार हो जाता है, नवरात्रा में तैयार हो जाता है, तो उसके सामने बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो आप लोग इसको कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग सर मार्केट में छोटे छोटे हिस्सों में बांटते रहते हैं, देते रहते हैं लोगों को, कि मार्केट में कुछ न कुछ लोग लेते लेने वाले भी रहते हैं। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है हम लोग का, बट फार्मर को अपने हिसाब से देख के आगे की सीजन को देखते हुए ही चिक्स डालना है, ब्रूडिंग करना है। अच्छा। क्योंकि हमारा सामने 3 महीने के बाद हमारा या 4 महीने में तैयार हो रहा है, तो सामने 4th महीने में कौन सा महीना मेरा पड़ रहा है, उसके हिसाब से ही चिक्स छोड़ेंगे। अच्छा, बनारस में जहाँ पे आपका लोकेशन है, जहाँ पे बाहरी पार्टी तो मुझे लगता है कम आती होगी, तो आपको इनका मार्केटिंग का तरीका क्या होता है, कैसे इनको सेल करते हैं? इनको सेल आउट बताना चाहते हैं? देखिए, पालने को तो जैसे कि कोई भी पाल लेगा, कोई पाल लेगा, बिल्कुल सोनाली पाल लेगा, हाँ। तो कहते हैं कि रेट नहीं मिला, तो रेट इसलिए नहीं मिला कि उनको नॉलेज नहीं है कि सोनाली मुर्गा जो देसी हम पाल रहे क्या वो देसी है या नहीं। देखने में भी देसी लग जाए तब तो रेट मिल जाएगा, ठीक। अगर कोई देखने में ही देसी नहीं लगेगा तो उसका रेट मिलेगा ही नहीं। 500 बर्ड लीजिए आप, उसको पालन करिए, उसको उसके पर देखिए कि कितना उसका कलवी आया, कितने दिन में आया, कौन सा गोदरेज खिलाएं, महाराष्ट्र खिलाएं, स्पष्टन खिलाएं, और अलग से चारा में क्या खिलाएं, तो ये सब सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट पर ही आएंगे और ये स्वयं करेंगे तभी आएंगे। और उसके बाद से अगर किसी से पूछेंगे तो वो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत आएगा, क्योंकि हम ही भर तो फार्मर है नहीं, सब लोग पालता है, अपने तो अपने, अपने अपने राय से सबका चलता है। 2000 मुर्गी या 3000 मुर्गी अगर पाल लिए आप, सपोज दैट मुर्गे तैयार हो गए, लेकिन आप उनमें क्वालिटी नहीं ला सके, क्वांटिटी तो आप बढ़ा सकते हैं, जितना इच्छा हो उतना बढ़ा लीजिए। उत्पादन करना बहुत सरल है, लेकिन उत्पादन में क्वालिटी रखना ये और सही मार्केटिंग करना, मार्केट तो अलग है, प्रोडक्ट में क्वालिटी ये बहुत जरूरी है। अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो उस पर दाम लगेगा और उसका रेट मिलेगा, क्योंकि खाने वालों की कमी नहीं। तो हम लोग भी देखते हैं, जैसे कि कोई मुर्गा है अभी 250 का उठ रहा है, 250 का, कोई कोई 190-180 का भी नहीं पूछ रहे हैं। रीजन बस यही है कि उसमें लाइट है, उसमें लाइट नहीं है, उसमें कलरी नहीं, उसमें कलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी वेट में है। कुछ मुर्गे देखने में लगेंगे कि वो 1.5 kg का है, लेकिन जब उनको उनका कटर लोग मीट निकालने लगेंगे तो उसमें मीट नहीं निकलेगा, उसमें 600 ग्राम के बजाय उसमें 700 से 800 ग्राम उनका जो कवर होता वो निकल जाएगा, कवर जो उनका पंख होता है, अब मीट कम निकलेगा। इसमें दो होता है, जैसे कभी कभी होता है कि मुर्गा औसत से ज़्यादा निकल जाता है मीट, तो वो खाया पिया रहता है, मतलब कि उसको अच्छी तरह से उसका वैक्सीन किया रहता है, लेकिन कभी कभी देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन काटने पर उसमें मीट ही नहीं आए, तरह तरह तो इसीलिए होता होगा कि वो ऑर्गेनिक ग्रो नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको जो भी प्रोटीन हो, चाहे उनको कैल्शियम जो भी दिया गया है, उनके शरीर तक पूर्ण रूप से वो पहुंचा नहीं रहता है, इसी कारण से वो होता है। और इसी कारण से जितने भी फार्मर हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि कम करें, क्वालिटी में करें, अपने दम पे करें कि हम इतना मुर्गा बेच लेंगे, किसी के भरोसे इस लाइन में ना रहें। अच्छा, मुर्गा बेचने की जब आप बात आपने शुरू ही कर दी है, तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, अभी अगर कोई बंदा सोनाली मुर्गी बेचता है तैयार मुर्गी या मुर्गा, तो अपने लोकल एरिया में रेट क्या है, मतलब आपने इसको लास्ट टाइम कितने में सेल किया था सावन के बाद? देखिए, अभी हमारे पास खुद का 5000 है,
तो हम लगभग मान के चलिए कि 6 महीने से बिल्कुल उठाना बंद ही कर दिए। अच्छा, बिल्कुल बंद कर दिए। अपनी मुर्गी हम स्वयं लगभग 140-130 रुपये केजी बेचे, और ये अदर फार्मर नहीं बेच सकते, अगर वो बेचेंगे तो उनको घाटा हो जाएगा। इसलिए हुआ है क्योंकि ये डबल सावन था, 60 दिन चला गया, इस कारण से थोड़ा मार्केट स्लो था। बाकी अगर मार्केट स्लो न होता तो यही मुर्गियाँ 180 से 220-230 तक फसम की पार्टियाँ ले जाती हैं, लेकिन मुर्गी का जो वजन होता है वो 1 किलो प्लस 1100-1200 होना चाहिए। तो जो लोग ये सोचते हैं कि दो तरह के YouTube पे वीडियोस पड़े हैं, कोई ये बोलता है कि इसका रेट 280 तक जाता है, और कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो ये बताते हैं कि हमें 160 का रेट मिला, लेकिन दोनों में सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, महेश जी भी यही बता रहे हैं कि इसका रेट जो होता है वो सीजन के हिसाब से होता है। तो इसका रेट आपको 140 भी मिल सकता है, जैसा कि ये बताया कि ये खुद इतने दिन से काम कर रहे हैं और 140 में इन्होंने अपना माल सेल किया, और यही एक दो महीने बाद अगर बेचते हैं, या इन्होंने पहले भी बेचा है तो 260 तक भी बेचा होगा कई बार। नहीं, 140 में जो बेचे हम फीमेल बेचे, मुर्गियां बेचे। हाँ। जो मुर्गे हैं वो लगभग 180-190। तो सीजन के हिसाब से इसका रेट कम या ज्यादा होता रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लॉस ही होने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस यही है और आप पहली बार करेंगे तो करोड़ों कमा लेंगे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। ये कभी ना सोचे कि हम देसी पाल लेंगे तो हमारा एक मुर्गा, सबसे बड़ा भ्रम ये है कि एक मुर्गा हमारा 500 को बिकेगा। ये लोग मतलब अपने मन में धारणा बन जाती है, जब व्यक्ति 100 दिनों तक किसी बर्ड को पालता है तो सोचता है 100 दिन बाद जब उसकी अर्निंग वापस आने की होती है तो उसको यही लालसा लगी होती कि हमारा इतना पूंजी लग गया, अभी तक 1 रुपये दिखा नहीं। उसी में अगर बर्ड में क्वालिटी नहीं आया उसी समय उसको घाटा लगना व्यापारी को तय। और एक दिन भी अगर आपका माल सेल होने में लेट हो गया तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास 5000 मुर्गे हैं तो फीड का खर्च कितना आएगा। तो ये है महेश भाई और इनका स्टार फार्मिंग है जो कि बनारस में है। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी, उम्मीद करते हैं कि महेश भाई का जानकारी भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम पोल्ट्री फार्मर से मिलें और आपको जेन्युइन जानकारी दें, इधर उधर की बात ना करके। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।